खंडवा जिले के मांधाता क्षेत्र में आने वाले मां रेणुका मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा राम मंदिर से निकलकर नौलखा चौक, तालाब माहौला बस स्टैंड, गांधी चौक माता मंदिर होते हुए कथा स्थल मां रेणुका माता मंदिर पहुंची। यह कलश यात्रा राम मंदिर से मां रेणुका मंदिर तक संपन्न हुई, जहां भागवत कथा भी रखी गई। यहीं पर पूछताछ में बताया कि इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है, 5000 साल पुराना मंदिर है। यहीं पर बड़ी दूर से भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं। इस यात्रा में नगर की जनता और सभी वरिष्ठ गण शामिल हुए। पुनासा से शाहरुख खान की रिपोर्ट। चालू हो गई भागवत गीता, है ना। श्री वेंकटेश्वर महादेव मंदिर का हमने प्रतिष्ठान करने जा रहे हैं यहाँ पर जी। साथ में ये भागवत जी। और इस मंदिर का इतिहास क्या है, कितना पुराना मंदिर है ये? तो मंदिर 5100 साल पुराना है, महाभारतकालीन मंदिर है ये जी, है ना। तो गौरव पांडव द्वारा बनाया गया और बनना ये जो रेणुका माता है ना, ये परशुराम जी की माता है और जबदंड की ऋषि की पत्नी है। यही से पास में थोड़ी दूर ही अपने कोई घाट था, घाट के माता मंदिर से इनका रास्ता संबंध जुड़ा हुआ है जी। और पास में परशुराम जी की मूर्ति भी रखी गई है जो फोटो कहलाते हैं जी। और ये महाभारतकालीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, पुरातात्विक मंदिर है ये जी। और यहाँ से इस मंदिर में आस पास जो बावड़ी लगी हुई है, उस बावड़ी के जाने के जल से बहुत से चर्म रोगों की मुक्ति भी होती है, कोई नाता जी। कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पर? समझो तो इसमें करीबन 50 से 60 गांव के जो राजपूत वंश हैं और अपने नामदेव जो होते हैं, ब्राह्मणों की कुलदेवी है, मोर समाज की कुलदेवी है, करीबन 7 या 8 समाज की कुलदेवी है। यहाँ करीबन 52 या 54 गांव से पब्लिक आती है, 4 और 5 जिले से जुड़े हुए जी। परिचय दे दीजिए आपको। मैं राजेश पारा सर अध्यक्ष हूँ यहाँ पर, तकरीबन 35 साल हो गए अध्यक्ष रहते हैं जी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।